हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल #शेप्स एंड शेड्स। मैं हूं शीतल और आज मैं लेके आई हूं फ्रेंड्स एक फेस पैक फॉर ब्राइड्स। जो वेडिंग सीजन सामने आ ही रहा है, तो ये एक फेस पैक है जो मैंने अपनी शादी के टाइम पे भी यूज किया था, तो वो मैं आपको सजेस्ट करूंगी। जो ये फेस पैक है, ये आपकी स्किन से टैनिंग निकालेगा, इम्प्योरिटीज निकालेगा एंड एक अच्छा ग्लो देगा आपके फेस पे बिफोर वेडिंग। तो मैं बता दूं, ये जो फेस पैक है मैं यूज करके बना रही हूँ इसको हनी से। ये मैंने पतंजलि का हनी यूज किया है, बट आप जो भी आपके पास हनी हो वो यूज करके आप इसको बना सकते हैं। तो इस ये है, ये ले ली है मैंने क्रीम। जो भी नॉर्मल आपके घर पे दूध की मलाई जो होती है वो आप ले सकते हैं, या फिर कोई फ्रेश क्रीम हो आपके पास वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ये क्रीम ले, जो दूध के ऊपर की मलाई आती है वो ले एंड उसके अंदर हनी मिक्स करके हम इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। आप इसको 4 to 5 days अपनी शादी के पहले, जब आप घर पे रहोगे, आपका बाहर जाना बंद हो जाएगा, आप पूरे जो शॉपिंग है आपका, जो भी आपकी शादी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज थी वो खत्म हो गई, आपको घर पे बैठने के लिए कहा गया है, तब आप अपने फेस को केयर कीजिए। ये क्रीम, ये जो मिल्क क्रीम है, दूध की मलाई में हनी मिला के आप अपने फेस पे लगाइए दिन में 2 बार, सुबह और शाम, एंड शादी के दिन तक आपके फेस पे जो ग्लो आएगा विच विल बी वेरी वेरी गुड। एंड आपको शादी के टाइम पे व्हेन यू गो फॉर ब्राइडल फेशियल, ब्राइडल क्लीन अप एंड एवरीथिंग, तो आपको पार्लर से भी कहा जाता है कि आप अपने फेस पे सोप नहीं लगा सकते, आप अपने फेस को धो नहीं सकते। तो दिस इज अ नेचुरल प्रोडक्ट, जो हनी और दूध की मलाई को मिक्स करके आप अपने फेस पे लगाओगे, दो नेचुरल प्रोडक्ट है, तो उससे आपके जो फेशियल है और जो आपने अपने फेस पे क्लीन अप वगैरह जो भी करा रखा है उसमें और अच्छा एक इफेक्ट आएगा, बहुत अच्छा ग्लो देगा ये आपके फेस को। तो चलिए मैं इसको लगा के दिखा देती हूँ अपने फेस पे। तो ये थी मेरी, आप देख सकते हैं दूध की मलाई मैंने ले रखी है। अगर आप एकदम गरम गरम दूध की मलाई लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अच्छे से हनी के अंदर ब्लेंड हो जाती है। जो ठंडी हो जाती है मलाई वो इतनी अच्छे से ब्लेंड नहीं होती है। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हनी, आप देख सकते हैं इतना सा हनी मैंने इसके मिलाया है दूध मलाई के अंदर। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। आपको जो मलाई है और जो ये हनी है ये इक्वल क्वांटिटी में लेना है। जैसे कि आप अगर 1/2 teaspoon लेते हैं मलाई, तो उतना ही आप दूध लीजिए एंड उसको मिक्स करके फिर अपने फेस पे लगाइए। मैंने इसमें कम लिया है तो मैं इसको और मिक्स कर रही हूँ अभी हनी। ये मैंने और डाल के इसको मिक्स करूँगी मैं। और विंटर सीजन में तो ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है, बिकॉज हनी जो है वो आपके स्किन को, हनी वैसे भी नेचुरली बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप बिलीव करते हैं सात्विक फूड्स में या फिर पॉजिटिव एनर्जी गिविंग फूड्स, तो हनी इज अ मेजर फूड उसमें, हनी इज़ वेरी पॉजिटिव फूड। तो वैसे ही है, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। एंड अगर आप ये फेस पैक बना के अपने फेस पे लगाओगे हनी एंड मलाई का, बिलीव मी फ्रेंड्स, आपको मैं क्या कहूँ, आप खुद ट्राई करके देख लीजिएगा आपको कैसा लगेगा। तो ये बन गया है मेरा फेस पैक एंड मैं इसको अपने फेस पे अभी आपको लगा के दिखा देती हूँ। इसको नॉर्मली अपने आप हाथों से पूरे फेस पे स्प्रेड कर लीजिए। एंड ये जो चीजें हैं, हनी एंड मलाई है, ये आपके घर पे आसानी से मिल भी जाती है एंड कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। कोई भी स्किन टाइप हो, आपकी ऑयली स्किन हो या फिर ड्राई स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, कोई भी इसको लगा सकता है। अगर आपने फेशियल भी करवाया है तो भी आप लगा सकते हैं, ब्लीच कराया है उसके बाद भी आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं इसमें कोई केमिकल या ऐसा कोई इंग्रीडियंट है जिससे आप लगा नहीं सकते इसको। एंड इसको लगाने के बाद ना आप थोड़ा सा अपने फेस पे मसाज कर लीजिए, जिससे क्या आपके फेस पे जो भी इम्प्योरिटीज रहेगी या फिर जो भी डर्ट रहेगी वो निकल जाएगी इसको ऐसे रब करने से। बट अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, आपके फेस पे पिंपल्स है, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप इसको ऐसे ही सेट होने दीजिए 10-15 minutes तक, और फिर उसके बाद आप इसको धो लीजिए, क्योंकि जो एक्ने प्रोन स्किन होती है उनके बहुत चांसेस होते हैं रब करने से वो एक्ने स्प्रेड हो जाती है फेस पे, तो वो ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेट करेगी प्रॉब्लम। तो आप इसको जस्ट अपने फेस पे अप्लाई करके छोड़ दीजिए। अगर आपका फेस एक्ने प्रोन नहीं है तो ऑल स्किन टाइप वाले अपने फेस पे इसको अप्लाई करके अपने फेस को अच्छे से रब कर लीजिए। And
एंड अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा ड्राई है, इसको बहुत ज्यादा रिपेयरिंग की जरूरत है, तो आप इसको दिन में 2 बार भी लगा सकते हैं। आप इसको मॉर्निंग में लगा लीजिए, जब भी आप अपना नहाते वक्त इसको आप नहाते वक्त भी अपने साथ आप ले जाइए एंड फिर फेस पे अप्लाई कर लीजिए। एंड इसको 10 मिनट से आपको रखना होता है, तो इसको अप्लाई करके आप नहाने के साथ इसको क्लीन कर लीजिए एंड रात को सोने से पहले भी आप इसका अप्लाई कर लीजिए, तो आपको बहुत जल्दी इसका अच्छा इफेक्ट मिल जाएगा आपके फेस पे। तो मैंने इसको अपने फेस पे पूरा लगा लिया है। अब मैं इसका सेट होने देती हूँ थोड़ी देर तक, 10-15 मिनट्स तक। इसके बाद मैं आपको धो के इसको दिखाऊंगी अपने फेस पे। सो फ्रेंड्स, मैंने मेरे फेस को धो लिया है। जो हनी और जो दूध की मलाई होती है वो थोड़ी सी चिपचिपी होती है, तो इस विंटर सीजन में आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। बट जब आप अपना फेस धोए तो मेक श्योर करें थोड़ा सा गर्म पानी ले ले, एकदम गर्म नहीं, ल्यूक वार्म वाटर जैसा हो वैसा ले। ठंडे पानी से धोएंगे अगर आप अपना फेस, तो वो चिपचिपापन नहीं जाएगा, आपको फील होगा आपके फेस पे थोड़ा सा चिपचिपापन। तो आप मेक श्योर करें थोड़ा सा सर्द पानी, थोड़ा सा लुकवॉर्म वाटर से अपना फेस धोए एंड सोप से बिल्कुल ना धोए। आप इसको दिन में 2 बार लगाएंगे, दोनों बार अगर लगा रहे हो 2 बार या 1 बार भी, तो आप एवरी टाइम फेस वॉश करते वक्त सोप ना यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको ज़्यादा अच्छा ग्लो मिलेगा। अगर एक बार आपने अपना फेस धो लिया है उसके बाद आप अपने फेस को टोन कर लीजिए विद अ टोनर। अगर आप यूज़ करते हैं कोई टोनर तो वो टोनर यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ करती हूँ ये कलर बार का रोज़ मिस्ट। अगर आपके पास रोज वाटर है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसको आप स्प्रे कर दीजिए अपने फेस पे और इसको सेट होने दीजिए थोड़ी देर के लिए, और फिर इसके बाद आप अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। एंड ये आपका जो डे टाइम रूटीन है, नाइट टाइम रूटीन में आप इसको इन्वॉल्व कर लीजिए फॉर द लास्ट 5 डेज ऑफ योर वेडिंग। एंड शादी के दिन आप देखेंगे खुद अपने फेस पे, आप फील कर सकते हो वो ग्लो आएगा। मैं भी आप देखते, मैंने अपने फेस पे कोई मेकअप नहीं कर रखा है फ्रेंड्स, मैंने ना मॉइस्चराइजर ना लिप बाम कुछ नहीं लगा रखा, एंड यू कैन सी देर इज अ फ्रेशनेस, देर इज अ ग्लो ऑन माई फेस, क्योंकि मैं इसको यूज कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट 5 डेज। मैं इसको दिन में वंस ही यूज़ करती हूँ, लेकिन ये जो शादी का मेरी जब शादी थी तब मैंने भी इसको दिन में 2 बार यूज़ किया था सुबह शाम, एंड लुकवॉर्म वाटर से धो के इसको मॉइस्चराइज कर ले, आपकी फेस ग्लो करेगा। जो मेकअप है वो तो एक्स्ट्रा इफेक्ट देगा ही आपको, बट ये जो ग्लो देगा विच इज़ वेरी आउटस्टैंडिंग। नॉर्मल आप कोई भी फेस पर आपको कोई सजेस्ट करता है तो वो आप यूज़ कर रहे हो तो वो भी ग्लो देते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो ग्लो देते हैं। बट इसका जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। हनी एंड दूध की मलाई का जो ग्लो देता है वो आपके फेस को इज़ वेरी लाइक आउटस्टैंडिंग। चलिए, मेरा रोज़ वाटर सूख गया है, अब मैं इस पर लगा लेती हूँ मेरी ये पॉन्ड्स की विंटर क्रीम, जो कि मैं क्रीमी फॉर्म में यूज़ करके अपने फेस को सेट कर लेंगे। सो दिस वॉज माई फेस पैक फॉर ब्राइड्स दिस वेडिंग सीजन। विंटर सीजन में तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा सारी ब्राइड्स को, तो अगर ये फेस पैक आप ज़रूर यूज़ कीजिए। आपको कैसा लगा इसका एक्सपीरियंस मुझे बताइए, कैसा आपको ग्लो आया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको मेरे वीडियोज़ एंड इन्फॉर्मेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।